हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही सुंदर बाजू का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बाजू की कटिंग करनी है। ठीक है, इस तरीके से बाजू मेरी मतलब जो है वो छोटी है, ठीक है, साइज़ में। तो इसमें हमने थोड़ा सा जोड़ लगाना है और जो इसकी लेंथ रखनी है हमने आधा आधा इंच ऊपर नीचे छोड़ते हुए, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो हमने 6 इंच रखनी है। ठीक है, इस तरीके से हमने 6 इंच इसकी टोटल लेंथ ले ली और साइड में इतना कपड़ा छोड़ दिया है क्योंकि इतने हिस्से में हमारा जो बाजू का है वो जोड़ लगेगा। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है, लेंथ की हमने कटिंग कर ली है। अब साइड में से जो कपड़ा बचा है उसमें से हमने यहाँ पे साइड में जोड़ लगाना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम इसको रखेंगे। तो इस तरीके से रखते हुए हमने इसकी जो नाप है, जो बाजू की मोरी है, वो है 8.5 इंच नीचे से। तो इस तरीके से हमने 8.5 इंच पे निशान लगा लिया और जो आर्म होल है वो है हमारा 10 इंच का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 10 इंच पे इस तरीके से इंची टेप रखा और यहाँ पर निशान लगा लिया। और डीप कटिंग हमने 3 इंच की करनी है, तो इस तरीके से हमने 3 इंच पे निशान लगा लिया। अब यहाँ पे हमने इस तरीके से इसकी शेप दे देनी है, तो हमने जो बाजू की मोरी है उससे हमने इसको मिला देना है। तो इस तरीके से हमारी जो बाजू की मार्किंग हो चुकी है, अब इसकी हमने कटिंग कर देनी है। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग भी कर दी है। तो ये हमारी जो बाजू है वो कट हो चुकी है। अब हमने इसमें डिज़ाइन डालना है, वो हम कैसे डालेंगे। तो ये जो जॉइंट वाला हिस्सा है, यहाँ पे जो फ्रंट हिस्सा है हमारा बाजू का, तो यहाँ पे हमने 1 इंच हमने इस तरीके से निशान लगाना है। ठीक है, और 2 इंच हमने यहाँ पे ऐसे निशान लगाना है और इस तरीके से हमने ऐसे बॉक्स तैयार कर लेना है ऐसे। अब यहाँ से हम गुलाई दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने गुलाई दे दी और अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। ठीक है, अगर आपको ये बॉक्स छोटा लगता है या डिज़ाइन छोटा लगता है तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। 1 इंच की बजाय आप 1.5 इंच भी कर सकते हैं और ऊपर से आप 2 इंच की बजाय 2.5 इंच बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने जो जोड़ थे वहाँ पे हमने इसको ज्वाइंट कर लिया है। ठीक है, सिलाई लगा ली है जोड़ों में और ये मेरी सिलाई लग चुकी है। अब आप ये सर्कल है जो हाफ सर्कल है इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा था तो इसलिए मैंने इसको ऐसे मतलब फोल्ड करके बड़ा कर लिया है। ठीक है, अब हमने ये प्लाजो का ये जो कपड़ा है मैचिंग का, इसकी हमने पाइपिंग लगानी है। इसको पाइपिंग मैं आपको बताती हूँ कैसे बनानी है हमने। तो इस तरीके से चौरस कपड़े को हमने ऐसे फोल्ड करना है, अब इसकी उरेब पट्टियाँ हमने कट कर लेनी है। इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बहुत सारी हमने उरेब पट्टियाँ कट कर लेनी है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने उरेब पट्टी कट कर ली है। अब हमने क्या करना है, और ये जो उरेब पट्टी है इसकी सीधी साइड ऊपर होनी चाहिए और बाजू की जो उल्टी साइड है वो ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। और अब हमने बिल्कुल किनारे पे जो सर्कल बनाया है उसके किनारे पे हमने बिल्कुल सिलाई लगा देनी है। पट्टी को हमने खींचना नहीं है, पट्टी को हमने सिर्फ ढीला ही छोड़ देना है और जैसे जैसे हमारी शेप है डिज़ाइन की उसी हिसाब से हमने पट्टी को मोड़ते जाना है। और इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर देनी है एक्स्ट्रा पट्टी की और बीच में हमने कट लगा देने हैं ताकि हमारी पट्टी जो आसानी से फोल्ड हो सके। तो इस तरीके से हमने कट लगा दिए। अब यहाँ से हमने बीच से हमने ऐसे एक पट्टी को फोल्ड करना है। ठीक है, डिज़ाइन के बीच सेंटर से हमने पट्टी को फोल्ड करना है। ठीक है, जो हमारी पट्टी में जो झोल वगैरह है कोई ना रहे। तो इस तरीके से हमने पट्टी के बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, मतलब हमने उस तरफ सिलाई लगानी है, जो पिंक वाली साइड है बाजू वाली वहाँ पे सिलाई नहीं लगानी है, थोड़ी सी दूरी पे सिलाई लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है पीछे की तरफ वो भी हमने कट कर देना है। अब हमने जितनी पाइपिंग निकालनी है, ठीक है, इस तरीके से उतनी निकालते हुए, ये देखिए, और पिंक वाले कपड़े में हमने सिलाई लगानी है और वो भी जड़ में सिलाई लगानी है, और जो मेहरून कपड़ा है उसके ऊपर नहीं आनी चाहिए सिलाई आपकी। ठीक है, अगर आ जाएगी तो फिनिशिंग नहीं रहेगी, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन फिनिशिंग नहीं आएगी। ठीक है, आपकी और आपका जो थ्रेड है वो पिंक वाला, जो पिंक वाला कपड़ा है वहाँ पे मतलब आना चाहिए। ठीक है, सिलाई वहाँ पे आनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सिलाई भी लगा ली है, एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट कर लिया है और ये हमारा जो सर्कल है हाफ सर्कल है वो बनके तैयार हो गया है। अब हमने इस साइडों में जो पाइपिंग लगानी है वो कैसे लगानी है, जो हमने बहुत सारी पट्टियाँ कट करके रखी थी उनको हमने इस तरीके से जोड़ लेना है। ठीक है, और बहुत लंबी सारी पट्टी बना लेनी है हमने।
ठीक है। तो ये मैंने जोड़ लिया, बहुत लंबी सी पट्टी बना ली है इसकी। फिर हमने इसको चार हिस्सों में कट कर देना है पट्टियों को, ठीक है। ये हमने दो हिस्सों में कट कर दिया। अब यहाँ से हमने ऐसे बराबर करते हुए इसको चार हिस्सों में कट कर देना है पट्टियों को। तो इनकी जो लंबाई है वो है हमारी 18 इंच की लंबाई तैयार है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हम पट्टी लेंगे और सीधी साइड पट्टी की ऊपर होनी चाहिए जहाँ पे हमने जोड़ लगाया है, और बाजू की भी सीधी साइड ऊपर ही होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने इसकी सिलाई लगानी है, ठीक है। ऐसे मार्जिन छोड़ते हुए, थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ, और इस तरीके से मार्जिन छोड़ते हुए हमने सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे उतार देंगे सिलाई को, ठीक है। और ये सिलाई लग चुकी है। अब हमने इसको पट्टी को ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। और जितनी पाइपिंग आपने दिखानी है उतनी दिखाते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। अगर आपको थोड़ी सी मोटी लग रही है पाइपिंग तो आप साइड से कपड़ा भी कट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी मोटी सी लग रही है मुझे पाइपिंग, तो इसलिए मैंने इसकी थोड़ी सी कटिंग कर दी है, ठीक है। आप भी कट कर लें अगर आपको लग रहा है कि मोटी पाइपिंग है, ठीक है, तो कट कर लें। अगर आप मोटी दिखाना चाहते हैं तो फिर कट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने कट कर दी है। अब यहाँ पे हमने ऐसे फोल्ड करते हुए जितनी आपने पाइपिंग दिखानी है उतने हिस्से में आप यहाँ पे सिलाई लगा लें। और यहाँ पे मैंने थ्रेड चेंज कर दिया है क्योंकि ये पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगेगी, ठीक है। और मेहरून थ्रेड मैंने लगा दिया है, और ये पाइप जो मेहरून कपड़ा है उसके ऊपर ही सिलाई लगेगी इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये पाइपिंग को मोड़ते जाना है और सिलाई लगाते जाना है, और इस तरीके से हमारी ये जो डोरी मतलब बन जाएगी, पाइपिंग भी लग जाएगी और इसकी जो डोरी है वो भी बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरी डोरी में ऐसे सिलाई लगा लेनी है, इसको सेट करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है, और हमारी जो पाइपिंग है, डोरी पाइपिंग है, वो बनके तैयार हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत ही सुंदर बाजू बनती है, और इसको ब्लाउज़ में और हाफ शर्ट में मतलब कमीज़ की कुर्ती में बना सकते हैं। जो लेडीज़ शॉर्ट बाजू पहनती हैं वो इस डिज़ाइन को बना करके पहन सकते हैं। तो दूसरी साइड में भी आपने इसी तरीके से सिलाई लगानी है, और दूसरी साइड की भी डोरी को आपने तैयार कर लेना है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करना ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। तो ये दूसरे साइड की भी मैंने सिलाई लगा दी है, और जितनी पाइपिंग दिखानी है मतलब बराबर से दिखानी है दोनों हिस्सों में। तो ये मैंने दोनों साइडों की पाइपिंग बना ली है, ठीक है। इस तरीके से कुछ डिज़ाइन बनके तैयार हुआ है। अब हमने नीचे की तरफ लूप लगानी है, और इस तरीके से चौरस कपड़ा लेंगे और उसको हमने ऐसे लीफ की शेप में कट कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया। अब एक डोरी को लेंगे और इस तरीके से हमने इसकी सिलाई लगानी है। देखिए बहुत अच्छी लूप बन के तैयार होती है। नीचे से जो थ्रेड निकलते हैं ना लूप में, वो नहीं निकलते हैं, बिल्कुल अंडरग्राउंड ये चले जाते हैं थ्रेड, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको सिलाई लगानी है, और थोड़ा सा आपने इसको ऐसे सीधा करना है, और ऐसे कॉर्नर पकड़ते हुए, और जो नीचे वाला कॉर्नर है उसको इस तरीके से पकड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, और बहुत ही सुंदर आपकी जो लूप है वो बनके तैयार हो जाएगी। और इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसको हमने, ये डोरी है जो, इसको ऐसे खींच लेना है, और हाथ की मदद से इसको हमने इस तरीके से सीधा कर लेना है, ठीक है। और ये देखिए बहुत ही सुंदर लूप बन जाती है, और कोई भी धागा नहीं निकलता है, सारे जो धागे हैं अंदर चले जाते हैं। तो इस तरीके से आपने लूप तैयार कर लेनी है, और दूसरी लूप भी आप इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। एक बार आपको फिर बता देती हूँ, इस तरीके से हमने कॉर्नर में धागा लगाया, सिलाई लगाई, और फिर हमने ऐसे घुमाया इसको, और धागा हमने मतलब निकाल दिया, सिलाई निकाल दी, और थोड़ा सा हिस्सा हमने खुला छोड़ना है, और जो इस नीचे वाला कॉर्नर है उसको हमने ऊपर वाले कॉर्नर से ऐसे पकड़ के हमने ऊपर वाली साइड में थोड़ी सी सिलाई लगानी है, और फिर हमने इसको जो लूप को है वो सीधा कर देना है, ठीक है। ऐसे डोरी खींचते हुए और ऐसे हमने इसको अंदर करते हुए कपड़े को इस तरीके से हमने सीधा कर देना है, और इस तरीके से हमारी जो लूप है वो दोनों बन के तैयार हो जाती हैं। और इसी तरीके से हमने, ये देखिए हमारी जो बाजू है बन के तैयार हो गई है।
ठीक है। सिंपल सोबर बाजू है और बहुत ही सुंदर लगती है जब इसको आप पहनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक बाजू तैयार हो गई है, इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू को भी तैयार कर देना है। अब इसकी हम फिटिंग कर देंगे, ठीक है। जो 8.5 इंच हमने जो बाजू की मोरी रखी थी वहाँ पे हमने निशान लगाते हुए, और आर्म होल है वहाँ पे 10 इंच पे ऐसे निशान लगाते हुए इस तरीके से हमने इसकी फिटिंग कर देनी है। और ये हमारी जो बाजू है बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। इसको शर्ट में चढ़ाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगी। तो दूसरी बाजू भी हमारी तैयार है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।